कालका विधायक प्रदीप चौधरी के आवास पर मोरनी क्षेत्र से बीजेपी और जेजेपी के काफी नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिन्हें प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहनाकर विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। चौधरी ने कहा कि मोरनी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, हम हर बूथ पर मजबूत हैं और मोरनी से भी हमारी काफी लीड रहेगी। मतलब किसी भी तरह के हमारा दुश्मनों की बात हो उसकी ठीक तरह व्यवस्था नहीं कर पाए, कहीं गो वो पानी की मोटर भी करके खराब हो जाए, वो पानी की मोटर नहीं तीन तीन दिन ठीक करती, जो गाँव का मतलब पीने के पानी दो दो दिन नहीं आता, बाईपास हुकूमत एक 10 साल होने पड़े, पूछ रहे कि किसानों बढ़ने चीजें ने कई कई साल ला दिए, तो मिट्टी छक दे रहे बच्चियाँ स्कूटर मोटरसाइकिल का स्कूल छोटर जाए कर देते, क्या हालात यहाँ रहे हैं, किस तरह ठंडिया भाव चले, सब बातें आपको पता है। तो मेरा बंधन कहने कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है और मुझे कालका से प्रत्याशी बनाकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास मिल जाए, और देखो जो यहाँ के लोग जो यहाँ के चुनाव लड़े मैं लड़ा हारिया दुए जीते मैं जीतिया दूसरे हारे, लेकिन नहीं तो यही ना लोगों के तो बीच नहीं ना, अरे किस तरह पहला कभी कोई डेरा बस के लड़ रहे चुनाव, कभी चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं, कभी माड़े से लड़ रहे हैं, कोई सीट ही नहीं पक्की नहीं, फिर कालका आ गई।